नया हैंड, देखते हैं क्या होता है इस हैंड में। कोई एक्साइटिंग हैंड देखने में मज़ा आएगा, कोई बड़ा पॉट होए। काफ़ी देर से नहीं देखा है, चांसेस हैं जल्दी देख पाएंगे। चलिए, फरा की बिग ब्लाइंड है तो मैटर्स हाउस एक्शन किक ऑफ करेंगे। ब्रंसन एट्स रेस करिए, पॉकेट पे रहे एट्स, काफ़ी अच्छा हैंड है। जैसे ही एक्शन चल रहा है उस हिसाब से तो एट्स कैन फ्लॉप वेरी नाइसली। डैनियल निग्रानो विद एस डू सूटेड कॉल्स। हरमन भी हैंड खेल रही है 8-6 डायमंड्स के साथ, बट काफ़ी ज़्यादा बुरी शेप में इस हैंड में क्योंकि एट्स है। बट ये देखिए व्हाट अ फ्लॉप, यहाँ पे डैनियल निग्रानो फ्लॉप्स अ स्ट्रेट बट ऑन अ वेरी वेट बोर्ड। 3 spades 3 4 5 ब्रंसन हैज ओवर पेयर विद अ डायमंड विद अ स्पेड विच इज़ अ ह्यूज हैंड एंड नो अदर स्पेड इज देयर। तो हरमन यहाँ पे काफ़ी बुरी शेप में है, उन्हें लग सकता है कि काफ़ी अच्छी शेप में है ओपन एंडर के साथ, बट नॉट दैट ग्रेट। एट्स ने फोल्ड कर दिया, यहाँ पे स्नैप फोल्ड कर दिया एट्स ने, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ऑब्वियसली उनको अपना स्पेड गुड नहीं लग सकता एक कॉल के बाद। एंड हरमन ने यहाँ पे गट्सी कॉल करके काफ़ी बढ़िया टर्न पे नट स्ट्रेट लगा लिए। स्टिल इट इज़ अ वेट बोर्ड, 3 spades हैं, काफ़ी रिस्की है, बट स्टिल डैनियल निग्रानो आई थिंक स्टिल हैज टू पे वंस, बट शी हैज अ टेंडेंसी टू बेट बिग। देखते हैं अब क्या करती हैं, बड़ी बेट ही करी है, काफ़ी बड़ी बेट करी है, इजी फोल्ड हो गया डैनियल निग्रानो के लिए एंड शी टेक्स इट डाउन। बट बड़ी बेट की यहाँ ज़रूरत भी थी क्योंकि इतना वेट बोर्ड था, 3 spades थे, हैंड को प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी थी, हेंस द बिग बेट इज What is required, I feel. Well played. और ऐसे exciting content को देखने के लिए आप हमारे Poker TV को देखते रहिए, which is powered by PokerBaazi. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly.